Okay, animal tissue, everybody is saying to revise this. So even in animal tissue, we can ask you to fill that one. मतलब जो फ्लो चार्ट है दैट कैन ऑल्सो कम, ठीक है, टू कम्प्लीट दैट वन. तो फ्लो चार्ट कैन ऑल्सो कम. तो एनिमल टिश्यू इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू हाउ मेनी टाइप्स. पहले हमारे फोर मेन टाइप्स है, कौन कौन सी है? एपिथीलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथीलियल, देन मस्कुलर कनेक्टिव एंड नर्वस, राइट. उसके बाद है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू. दिस इज अगेन फर्दर डिवाइड ऑफ फाइव टाइप्स. कौन कौन सी? स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कोल्यूमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर. एक बार इनको दोबारा देख लेते हैं, इनकी फाइव सब टाइप्स हैं, ठीक है. कौन कौन सी? स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोल्यूमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर, राइट. देन वी आर हैविंग द मस्कुलर टिश्यू. थ्री टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक, ठीक है. दीज वी आर हैविंग स्ट्राइटेड. मैं पूरा पूरा नाम नहीं लिख रही, ठीक है, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड. देन थर्ड वन इज कार्डियक, राइट. देन कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अगेन ऑफ द फाइव टाइप्स. एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्ट, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्या कहते हैं, स्केलेटल टिश्यू एंड द फ्लूइड टिश्यू. कौन कौन से हैं इसमें? एरियोलर, एडिपोज, डेंस कनेक्टिव, देन स्केलेटल, देन फिफ्थ वन इज फ्लूइड. एंड नर्वस टिश्यू की कोई फर्दर ब्रांच नहीं है इसमें से. अब जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. और जो स्केलेटल है, बोन एंड फ्लूइड, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है जी, ओके यहाँ तक, ठीक है. अब उसके बाद आ जाते हैं हम, इनके अब डिटेल स्ट्रक्चर शुरू कर देते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल की मैंने एक 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 जो आपको फंक्शन है वो मैंने बहुत अच्छी तरह से रिपीट करा था. लाइनिंग एंड लाइनिंग टिश्यू विद द बेसमेंट, और दूसरा एब्जॉर्प्शन. एपिथेलियम के दो हमने मेन फंक्शन करे थे, लाइनिंग एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन. स्क्वायर शेप सेल्स होते हैं ये हमारे पास, ठीक है. हमें आपको ये पता ही है स्क्वेमस वाला कैसे होता है. दिस इज ऑन लाइक दिस, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर. बेसमेंट में ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे ठीक है जी, लाइक दिस. अब स्क्वेमस एपिथीलियम प्रेजेंट कहाँ कहाँ, वेयर इट इज प्रेजेंट. स्ट्रक्चर तो हमने कर ली कि स्क्वेयर शेप है, फ्लैटेंड लाइक स्ट्रक्चर है, यही इसके पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड विच वन इज द नॉट करेक्ट. स्क्वेमस एपिथीलियम कौन कौन से हैं, लाइक इसकी क्या क्या करेक्टर्स है? स्क्वेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्क्वेयर शेप्ड है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स है, स्मॉल इन साइज है और इनर लाइनिंग है ना. अब उसमें कहाँ कहाँ इसकी प्रेजेंस कहाँ है? जब ये पाइल्स में होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? देन द स्क्वेमस एपिथीलियम एग्जिस्ट इन पाइल्स, देन इट इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम. एंड वेयर इट इज प्रेजेंट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम? स्किन, ठीक है. इज इट क्लियर? फंक्शन, लाइनिंग एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, स्टमक के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, राइट. सेकेंड हमारे पास है क्यूबॉइडल. क्यूबॉइडल मीन्स जो सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुशनरी सरफेस,
ठीक है, क्यूबॉइडल से पहले हमें उसका वो पता चल जाता है कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। फिर उसके बाद लोकेशन कहाँ है, क्यूबॉइडल्स का यहाँ प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसके अलावा बुक में और कोई गिवन है, बुक में क्यूबॉइडल में कोई और गिवन है स्ट्रक्चर, लोकेशन किडनी ट्यूब्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। तो यू कैन राइट, इज इट ओके, सॉरी, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर मतलब लोकेशन लर्न होनी चाहिए, ठीक है। इसको कर लो चाहे, अगर इफ यू आर हैविंग बुक तो उसको वो करके स्टार लगा लो कि ये इसकी लोकेशन है, ठीक है बेटे, क्लियर है, चलूं आगे, ठीक है। ये साथ साथ में गो थ्रू हो जाए, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट हुए, किडनी ट्यूब्यूल, फिलोपियन ट्यूब, स्लाइवरी ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शनल हैंडलिंग डेलिकेट ऑर्गन, नेचुरली स्लाइवरी ग्लैंड है, फिलोपियन ट्यूब दैट इज हैविंग द एग्स, अगर हम देखें तो फेलोपियन ट्यूब में एग्स होते हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस, नहीं करा अभी, वी हैड डिस्कस द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नो, फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, नहीं करा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं करा ना, हाँ करा एट में, हाँ हाँ, तो फेलोपियन ट्यूब में दीज आर हैविंग द एग्स, तो वहां पे नेचुरली एग्स को लेके जाना है, तो दैट इज वेरी पर्टिकुलर, वेरी स्पेशल स्पेस शुड बी देयर, है ना, नहीं तो एग्स डैमेज हो जाएंगे, तो दैट मीन्स हैंडलिंग डेलिकेट मटीरियल, डेलिकेट मटीरियल, लाइनिंग, एब्जॉर्प्शन, ओके, ठीक है। उसके बाद जो कोल्यूमिनर, कोल्यूमिनर एपिथेलियम, मतलब कोल्यूमन, मतलब कोल्यूमिनर मतलब कॉलम्स, कॉलम्स मतलब पिलर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्यूबॉइडल में ये थोड़े इससे, मतलब इस तरह से ये हो गए स्क्वायर थे, क्यूबॉइड में थोड़े इससे बड़े हो जाएंगे लाइक क्यूब की स्ट्रक्चर में, ठीक है। कोल्यूमिनर में ये इस तरह हो जाएंगे लाइक बड़े थोड़े, है ना, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ी उसकी बड़ी हो गई, पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट कोल्यूमिनर। अब इसमें सेल्स आर मच टॉलर एज द वाइडर देन दे आर वाइड, जितने लंबे उतने चौड़े, हमने बात करी थी। इलोंगेटेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट नियर द बेस, वो तो फंक्शन आएगा ना, पहले ये बताओ बेसल पार्ट जो है, बियर्स अ इलोंगेटेड न्यूक्लियस, यही था अरेंज जो है नियर टू द बेस होगा, साइड वॉल्स के पास होता है, और इलोंगेटेड है वो हो गया। फंक्शन लोकेशन वेयर द कोल्यूमिनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट, हाँ तो फिर कहाँ प्रेजेंट है, वेयर एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन, तो फंक्शन है ना, कोल्यूमिनर प्रेजेंट कहाँ है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, फेरिंग्स, और कुछ गिवन है, यही है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड फेरिंग्स, कौन सा प्रेजेंट है, कोल्यूमिनर, इज इट क्लियर, ठीक है। फंक्शन क्या हो गए, फिर वही लाइनिंग, एब्जॉर्प्शन, फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ द एपिथेलियल बैरियर, उसको क्रॉस करके जाना, ठीक है। देन आ जाओ सिलिएटेड, सिलिएटेड मीन्स द सिलिया इज प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बीच में ये सिलिया प्रेजेंट होंगे ब्रेसल ग्रेन्यूल्स के साथ, ठीक है। बेसमेंट ये न्यूक्लियस टच नहीं करना, नीचे लॉन्गेट होंगे और साइड वॉल्स नीचे बेस की तरफ होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिलिएटेड में सिलिया कॉलम शेप्ड है, ये भी सेम, उसके बाकी सारे फीचर्स तो सेम जाएंगे क्योंकि कोल्यूमिनर को ही सेम वही स्ट्रक्चर में बनाया है, सिर्फ फर्क क्या करा हमने, सिलिया, ठीक है। तो कॉलम शेप, मोर लेंथ, मोर लेस विड्थ, लंबे ज्यादा होते हैं, विड्थ थोड़े कम होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस बिकम इलोंगेटेड, सेम पॉइंट, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा, अब वो भी अरेंज वाला भी सेम पॉइंट हो गया, एक पॉइंट एड होगा, सिलिया इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज द सिलिया एंड व्हाट इज दिस सर्कल, दैट इज द बेसल ग्रेन्यूल, ठीक है, क्लियर है, वेयर इट इज प्रेजेंट, और कोई गिवन है बुक में, नहीं, ओके। देन फंक्शन अगेन, लाइनिंग, एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियम, ठीक है। तब आ जाओ ग्लैंडुलर पे, वहां पे भी मोस्टली सेम है, फर्क कहाँ पे आ जाएगा, मैं इसके आगे बना देती हूँ, लाइक दिस, सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है, सारी स्ट्रक्चर सेम है, ओनली डिफरेंस इज देयर, देयर इज अ ग्लैंड प्रेजेंट, यहाँ पे ये ग्लैंड है, ग्लैंड के बीच में ये म्यूकस है, दिस इज म्यूकस, ठीक है, दिस इज ग्लैंड, और जहां पे ग्लैंड प्रेजेंट है दैट सेल इज कॉल्ड द गोब्लेट सेल, दैट सेल इज कॉल्ड द
गॉबलेट्स है, इज इट क्लियर बेटे? कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रक्चर कॉलम सेम स्ट्रक्चर होगी, ग्लैंड वाला बता दिया, लोकेशन इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड जहां से ऑयल्स की सिक्रीशंस होगी वहां पे ये प्रेजेंट होंगे। ओके है बेटे, ठीक है। फिर फंक्शन क्या हो गए? हेल्प, फिर वही हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स। नेचुरली वो ऑयल रिलीज करेंगे तो हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। ओके है, ठीक है, लेबलिंग ओके है। जहां ग्लैंड है, ग्लैंड उसके बीच में म्यूकस, और जहां ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द गॉबलेट सेल। ओके, डायग्राम आपको वही डायग्राम्स आएंगे जो हम लोगों ने क्लास में बनाए। आपको बुक में से कोई भी डायग्राम नहीं दिया जाएगा कि आपको मुश्किल हो। द डायग्राम दैट वी मेड इन द क्लास, सेम डायग्राम्स वी विल मेक ओवर दिस, इज इट ओके? ठीक है, देन आ जाओ कौन से, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज वी आर हैविंग द थ्री टाइप्स, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड द कार्डियक, ठीक है। स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक। स्ट्राइटेड मींस स्ट्राइएशंस, स्ट्राइएशंस मींस डार्क एंड लाइट बैंड, ठीक है। उसकी हमने कैसे ड्रॉ की थी, आपको बताया था कि चौक को अगर हम इकट्ठे पाइल कर रहे हैं, मसल्स आर अटैच, ठीक है। आपको ये डायग्राम बनवाया था इसका, ठीक है जी। यहाँ पे स्ट्राइएशंस यू कैन शो, राइट, यहां से बहुत सारे बंडल्स हैं अंदर मसल्स के, एक बाहर निकाल के दिखा दो कि इस तरह से है, लाइक दीज आर लाइक, कि बहुत सारे ये मतलब एक बीच में से बाहर खींच लिया, काफी सारे इकट्ठे पड़े, एक हमने खींच लिया बीच में से, ठीक है। डार्क एंड लाइट बैंड, स्ट्राइटेड मसल्स क्या कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्राइटेड मसल, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटल मसल, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। वॉलेंट्री मीन्स जो अपनी मर्जी से काम करे, ठीक है। स्केलेटल जो हमारे स्केलेटल के साथ अटैच है, स्ट्राइटेड स्ट्राइएशंस, डार्क एंड लाइट बैंड, ठीक है। अब ये स्ट्राइटेड भी हैं, स्केलेटल भी हैं एंड वॉलेंट्री भी हैं, ठीक है। दैट मींस आप अपनी मर्जी से कौन से काम करते हो, हैंड्स को अप एंड डाउन कर रहे हो, तो दैट मींस दीज आर प्रेजेंट ओवर हियर इन माय आर्म्स, लाइक इन लेग्स मूव कर रही हूँ, दैट मींस इट इज प्रेजेंट, ठीक है। बोल रही हूँ, अब अगर मैं अंदर डाइजेशन में, दे आर नॉट प्रेजेंट बिकॉज दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू माय विल, है ना, तो दीज आर नॉट प्रेजेंट। तो द वर्क दैट इज लाइक हमारी मर्जी से हो रहा है, वहां पे कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, स्केलेटल टिश्यू, और वहां पे हमारे पास अब इसमें है क्या, लाइट एंड डार्क बैंड्स हो गए, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्यों मल्टी न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि बंडल पड़ा अंदर, तो हर एक का एक न्यूक्लियस होगा, तो इट अपीयर्स लाइक अ मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मैनी न्यूक्लियाई, अनब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड होते हैं, ब्लंट एंड्स हैं, ब्लंट एंड मतलब पीछे से भी मोटे ही होंगे, पॉइंटेड नहीं है, बैंड लाइक स्ट्रक्चर तो वही हो गया, और लोकेशन लिम्स में, और मैं बोल रही हूँ, नहीं बोलूंगी तो मेरी मर्जी है, यहाँ पे स्ट्राइटेड होता है। एक्चुअली आप मेडिसिन लोग हैं, आपकी मर्जी है तो अंदर जाती है, नहीं तो आप बाहर ही कर देते हो, उसके वहां पे प्रेजेंट होता है, राइट बेटे। देन उसके बाद इसके फंक्शन क्या है, मूव टू अकॉर्डिंग टू आर विल, सो दीज आर कॉल्ड द वॉलेंट्री। देन आ जाओ अनस्ट्राइटेड, दीज आर अनब्रांच है, ये भी स्मूथ मसल्स है, नो डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मसल्स। अनस्ट्राइटेड मसल यूनिन्यूक्लिएटेड, क्योंकि सिंगल है, स्पिंडल शेप एंड द ब्लंट एंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ब्लंट एंड कह रही हूँ, शार्प एंड, पॉइंटेड एंड्स, यानी कि इसका ये है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, आपको एक नहीं बनाना था, वो वैसे पूरा बनाना है, आपने पूरा ना इसके अंदर कवर, वैसे तो आना ही नहीं है चलो डायग्राम, बट ये ऐसे पूरा भरना होता है, ये नहीं कि एक यहां बना दिया तो उसके पास जगह छोड़ दी, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर लाइक दिस, है ना। अब मैं एक बना देती हूँ, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस, बीच में मियोफिब्रिल्स होते हैं, लेबलिंग में इसके क्या है, बीच वाली जो लाइंस है दैट इज कॉल्ड द मियोफिब्रिल्स, देन सार्को प्लाज्म,
ठीक है, सार्कोलेमा हम उनको बोल देते हैं, जो लेयर है रिप्रेजेंट द मसल फाइबर, सार्कोलेमा रिप्रेजेंट करती है मसल फाइबर को, ना देन उसके बाद हमारे पास अब ये प्रेजेंट कहाँ है वो हमने देखने, ब्लड वेसल्स में है, ठीक है, आईरिस ऑफ द आई, ठीक है, और यूरेटर, और हाँ एलिमेंट्री कैनाल, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ठीक है, दीज आर इनवॉलेंट्री, दे आर नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू योर विल, या आपके विल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लाइन्स ऑफ कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को मियोफिब्रिल्स बोलते हैं, मियोफिब्रिल्स क्या होते हैं, जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करते हैं, ठीक है, दीज आर नॉट अंडर आर कंट्रोल, तो हम इनको ना स्टार्ट कर सकते हैं ना स्टॉप, सो दीज आर कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मसल्स. आपको क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाई व्हाट इज शोइंग, सो वो यू कैन इजीली जज, ठीक है, देन द थर्ड वन इज द कार्डियक मसल्स, मस्कुलर टिश्यू, दीज आर ऑल्सो द स्ट्राइटेड, डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, यूनिन्यूक्लिएटेड हैं एंड ब्रांच एंड सिलेंड्रिकल है, जबकि ये अनब्रांच था, वो ब्रांच एंड सिलेंड्रिकल हैं, उसमें भी हम लोग मैं यहाँ बना देती है, ठीक है, डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, हर एक का अपना अपना न्यूक्लियस होगा, यूनिन्यूक्लिएटेड, इज इट ओके, यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं, कहाँ प्रेजेंट है, फंक्शन वर्क रैपिडली, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन रिदमिकली इट वर्क, ठीक है, देन हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू, जो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है, बाकी आपको फिर भी हो जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में वी आर हैविंग द फाइव डिफरेंट सब टाइप्स, एरियोलर, एडिपोज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल, फ्लूइड, ठीक है, अब हमारे पास जो एरियोलर टिश्यू है, ठीक है, इसमें मैंने आपको दो पॉइंट स्पेशली आई टोल्ड यू, लूजली जो टू टाइप्स जिसमें लूजली पैक्ड होते हैं वो एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू, जहां पे हमारे पास जो अरेंजमेंट है दो में होती है, लूजली पैक्ड, एडिपोज एंड एरियोलर, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये सीमेंटिंग लेयर होते हैं, सेम लाइक कनेक्टिव मींस कनेक्ट करना किसी चीजों को, दो चीजों को कनेक्ट करना, दैट मींस अ सीमेंटिंग लेयर, ठीक है, बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, लोकेशन का होगी एरियोलर की, बिलो द स्किन, और स्किन एंड मसल अराउंड ब्लड वेसल्स और बोन मैरो ऑल्सो, तो स्ट्रक्चर क्या है इसकी, याद है, इरेज कर दू ये वाला, ये कर चुके हैं ना, इरेज कर दो, स्ट्रक्चर याद है, नहीं लूजली पैक, डार्क एंड द थिन एंड द थिक, है ना, अब ये थिन थिक हो गए लाइक दिस, अब इसमें और क्या क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स टिश्यू ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड, फ्लूइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड, ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ब्लड वेसल्स, ठीक है, दीज आर ब्लड वेसल्स, और मैक्रोफेजेस कहाँ पे, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस, और जो हमारा उससे स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे डार्क पैंट पे डार्क उस पे स्टार्ट होता, क्या, फिब्रोब्लास्ट और फिब्रोसाइट, साइट्स मींस, ठीक है, यहाँ पे हमारे फिब्रोब्लास्ट होते हैं, दैट शोज दैट कि ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं, मैक्रोफेजेस आर ऑल्सो सेम बट दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन, यानी कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा और क्या था, मास्ट सेल, वो हमने कैसे बनाए थे, सिंगल मास्ट सेल, दीज आर द ब्लड वेसल्स, मैक्रोफेजेस, फिब्रोब्लास्ट और फिब्रोसाइट्स, ठीक है, दीज आर द मास्ट सेल, एरियोलर टिश्यू में हमने ये लेबलिंग करी थी, बिलो द स्किन है, अराउंड ब्लड वेसल्स है, बोन मैरो में है, नर्व और कहाँ है, स्किन एंड मसल्स के बीच में, ठीक है, अब एरियोलर टिश्यू जो है हमारे पास थिक फाइबर एंड थिन फाइबर है, थिक फाइबर येलो कलर के होते हैं, थिन इज द वाइट, ठीक है जी, फाइबर्स आर लूजली अरेंज, यहाँ पे फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं, नेटवर्क दो में फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं, किस किस में, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू,
ठीक है। अब इसमें क्या है कि ईच ऑफ दीज फाइबर अराइजेस फ्रॉम, यहाँ से बीच में से शो कर दिया मैंने, वो आपको बता दिया, फिब्रोब्लास्ट एंड द फिब्रोसाइट्स, ठीक है। मैक्रोफेजेस दैट इज द फैगोसाइटिक, यानी कि वो एनगल्फ करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। फंक्शन हाँ क्या क्या क्या, मेरे को सुनना ही नहीं दे रहा सो, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिंग लेयर, सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स वी हैव डन, हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यू ऑल्सो, इट फिल्स द स्पेसेस बिटवीन द ऑर्गेन इन साइड द ऑर्गेन। अब उसके पास है एडिपोज, एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो लाइक लूजली अरेन्ज है, इसमें भी फैट सेल्स होते हैं बीच में, दैट वी हैव थिंग, एंड एडिपोज कहाँ प्रेजेंट है, जो कुशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर जो हमारे एक्स्ट्रा वो है, तो एडिपोज जो है दैट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर्स आर लूजली अरेंज इन अ नेटवर्क, अरेंजमेंट ऑफ द फैट सेल्स इज कॉल्ड द एडिपोसाइट्स, ठीक है, मैंने वैसे बताया था ये, इधर इट्स नॉट गिवन इन द बुक, इट इज कॉल्ड द एडिपोसाइट्स, ठीक है। लोकेशन कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द स्किन, अराउंड द ब्लड वेसल्स, आउटसाइड और इनसाइड दोनों पे, और फैट्स गेट डिपॉजिटेड, हार्ट के आसपास भी डिपॉजिट है तो वहां पे भी है, और अराउंड द किडनी, और ठीक है फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो फंक्शन क्या है, अब अगर ये फैट्स प्रेजेंट है तो इट स्टोर फैट एंड एक्ट एज द इंसुलेटर ऑल्सो, ठीक है, विच प्रोवाइड द वॉर्म्थ टू यू, ठीक है। फिर है कुशन लाइक स्ट्रक्चर, बिकॉज अगर हार्ट के पास प्रेजेंट है तो इट प्रोवाइड द कुशन लाइक स्ट्रक्चर कि एकदम से कोई शॉक लगने पे इट विल नॉट हार्म, ठीक है जी, ओके। एडिपोसाइट बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ फैट सेल्स को, एडिपोज है ना बाबू, लर्न लर्न करो, रट्टे क्यों मार रहे हो, साइट का मीनिंग क्या बताया, सेल, एडिपोज टिश्यू के सेल्स को क्या कहेंगे, एडिपोसाइट, बोन्स को ऑस्टियोसाइट करा था, ऐसी वर्ड बोल रहे थे ना। अब जैसे अपने फिब्रोब्लास्ट या फिब्रोसाइट्स फाइबर्स है, कहाँ प्रेजेंट है, एरियोलर में, तो वो फिब्रोसाइट्स है, एडिपोज में एडिपोसाइट्स है, एडिपो तो एडिपोज से ही आ गया ना, साइट्स मीन सेल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होते कि एक नया वर्ड आ गया तो बड़ा वो, जस्ट ट्राई, साइट मींस सेल, ठीक है। तीसरा हमारे पास है डेंस कनेक्टिव, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, वो कौन कौन सा है, डेंस का मतलब नहीं समझ आया, बोलो, डेंस का मतलब कंपैक्ट, रेगुलर मींस जो रेगुलरली पैटर्न है, अरेंज है, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट सर अरेंज होते हैं, इसके बीच में भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रोज में फाइबर्स प्रेजेंट है, और क्या है इसका, टेंडन्स एंड लिगामेंट, वो डिफरेंस कर लो, टेंडन्स क्या करते हैं, जॉइंट, टीबीएम, टीबीएम बोन्स टू मसल, बोन्स टू बोन करते हैं टेंडन, कंफ्यूज खुद ना हो और ना मुझे कर, टीबीएम, ठीक है, टीबीएम, टेंडन्स जॉइंट बोन्स टू द मसल्स, ठीक है, टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन्स विद द अदर बोन्स, टेंडन्स जॉइंट्स विद द मसल्स, बोन्स विद द अदर बोन, एंड टेंडन्स आर द नॉन फ्लेक्सिबल, हाँ नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, और लिगामेंट्स आर फ्लेक्सिबल, फिर और नॉन इलास्टिक, टेंडन्स आर नॉन इलास्टिक, क्योंकि इनके फीचर्स भी आपसे एमसीक्यू आएंगे, डिफरेंस तो वी विल नॉट आस्क ना, बिकॉज नॉट सब्जेक्टिव, तो यही पॉइंट्स पे वी विल आस्क यू कि व्हाट इज द फीचर, By chance, all pictures are resembling to the tendons. एक सिर्फ इलास्टिक वर्ड आ गया तो वो क्या है, इनकोरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि टेंडन्स क्या है, बात समझ आई, यही इनकोरेक्ट आपने बस फाइंड आउट करना है, यही बस उसमें क्वेश्चन ऐसे ही है, कंफ्यूज नहीं है, सिर्फ आपने जो एज इट इज लर्न करते थे कि वो बोन TBM, बोन्स टू मसल्स, बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ रहे हैं, दैट मीन्स वो इन इलास्टिक यानी कि नॉन इलास्टिक है, टफ है, रिजिड है, यू कैन से अकर इन रो हो गया, वो स्कैटर्ड होते हैं लिगामेंट्स, और फाउंड एट द एंड ऑफ द बोन्स, उसके एंड पे मिलते हैं, ग्रेट स्ट्रेंथ है, बिकॉज वो जोड़ रहे हैं तो ग्रेट स्ट्रेंथ है, उनकी लेस स्ट्रेंथ है, ठीक है, हेल्प्स इन मूविंग द बोन, और वो जो करते हैं लिगामेंट्स अलाउ करते हैं बेंडिंग एंड द रोटेशन, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, आ गया। देन आ जाओ स्केलेटल, स्केलेटल में हमने करा बोन एंड कार्टिलेज, वही डिफरेंस के ऊपर ही क्वेश्चन फिर आ जाएगा, और डायग्राम भी है,
बोन के बीच में आपने करा था कि कनेक्टिव टिश्यू है, मैट्रिक्स है, सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, बोन्स नॉन फ्लेक्सिबल है, लैकुना आर प्रेजेंट, ठीक है क्या, हाँ हैविंग द ऑस्टियोसाइट, क्योंकि बोन की बात आ गई, ऑस्टियो बोन साइट सेल, ठीक है, बोन सेल्स दैट इज द ऑस्टियोसाइट, ठीक है, फिर स्पेशल सेल्स हैं, हार्डेस्ट टिश्यू है, कंसेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, उन कंसेंट्रिक रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स का मतलब क्या था, हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, एक ही पॉइंट से सर्कल को बनाना, दैट आर कंसेंट्रिक, ठीक है, हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, ठीक है, उसके बाद लैमेले हैं अराउंड द हेवर्सियन कैनाल्स, ठीक है, हेल्प्स इन क्या कहते हैं, बीच में लेफ्ट स्पेसेस प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं लैकुना, ओके ओके, और लेबलिंग में हमने क्या क्या किया था, जो सेंटर वाला सर्कल है दैट इज द हेवर्सियन कैनाल, उसके बाद हमने ऑस्टियोसाइट बनाए थे जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं, और उसको बोन सेल या हेवर्सियन कैनाल्स, रिंग्स और कैनाल्स, ठीक है, देन हमारे पास है लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है, बोन अकर इन द बॉडी, ठीक है, टुगेदर टू फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो है फंक्शन क्या करेंगे, बोन क्या करती है, स्पोर्टिक फ्रेमवर्क आपको देती है, प्रोटेक्शन टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को बचाती है, ठीक है, प्रोवाइड द मूवमेंट, कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या था, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, नोज, ईयर्स और एक और है क्या क्या क्या, नोज, ईयर पिन्ना और ट्रैकिया, ठीक है, गिवन है बुक में, बुक में गिवन है, राइट, और ठीक है, फिर लैकुना में अभी हमने कैसे करा था डायग्राम, हमने उसका भी बनाया था एक सिंपल मैट्रिक्स, वो फोर की फॉर्म में हो सकता है, टू या वन, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज है, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, फिब्रो फाइबर्स है तो फिब्रोसाइट, एडिपोज एडिपोसाइट और बोन ऑस्टियोसाइट, ठीक है, यहाँ पे कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स, साइट मीन सेल, साइट मीन सेल, ये मैंने स्पेशली बताया था कि साइट मीन का मतलब ही सेल है, ठीक है, इसकी लेबलिंग में क्या है, लैकुना एक स्पेस है, उसी के बीच में कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है, इसमें कार्टिलेज में हमने ये करा था कि अगर ये लैकुना है तो लैकुना के बीच में ही सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, लैकुना इज द स्पेस, खाली स्पेस, पिछले में करा है बोन में कि लैकुना इज द लेफ्ट स्पेस, अब ये लैकुना के बीच में ही कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, कॉन्ट्रोसाइट्स अब आर प्रेजेंट, फिर मैट्रिक्स है और बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम भी बोल देते, ओके, थक गई मैं, देन